हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं यूनिटी स्किल यूट्यूब चैनल जूम सिग्नल सैटेलाइट फाइंडर। अब 1506T, 1506TV और सन प्लस 1506G, इन सब में ये अवेलेबल आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1506T का जो रिसीवर है, इसमें मैं USB लगाने के बाद इसमें सॉफ्टवेयर करने वाला हूँ अपग्रेड। और मेरे पास जो इस वक्त सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है 1506T वाला, इसका न्यू वर्जन है। तो इसको मैं अपडेट पर लगा देता हूँ। तो ये जब तक ये कंप्लीट होता है, आपको मैं बता दूँ कि मीडिया साथ 2727 फॉरएवर का जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आ चुका है। इसी तरह R140 का सॉफ्टवेयर भी आ चुका है। आपको अगर ये चाहिए तो मीडिया साथ की वेबसाइट है, आप वहाँ पर गूगल करके वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ईयर इनका जो सर्वर पैकेज है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया साथ 1010 फॉरएवर मिनी 790 रॉयल, ये भी इसका भी आपको मिल जाएगा। और 1818 फॉरएवर, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत ज़्यादा है। मेरा चुके बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि रिसीवर रिस्टार्ट हो चुका है। और यहाँ मेरे पास चूँकि इस वक्त कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी चैनल नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ट्यूनिंग करूँगा छोटी सारी उसमें, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी चैनल के ऊपर जूम सिग्नल जो है वो किस तरह से शो होता है। इसके साथ के ऊपर मैं यहाँ पर ट्यून करूँगा। तो इसके साथ के मेरे पास सिग्नल और क्वालिटी दोनों आप देख सकते हैं कि आ रही है। तो इसको मैंने ओके करने के बाद इसको मैंने नेटवर्क सर्च जो है वो मैं ऑफ कर रहने देता हूँ, और इसको स्कैन टाइप जो है वो मैं ब्लाइंड कर देता हूँ, और इसकी ट्यूनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाया करें। तो इसको मैं यहीं पर पास करके इसको ओके कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ इस सारे डाटा को। 26 चैनल ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो इसको मैं सेव करता हूँ और आपको अभी चैनल दिखाता हूँ। बस चैनल लिस्ट शो हो चुकी है और इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इसकी सेटिंग है, कितना ब्यूटीफुल इसका मेन्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी दूसरे चैनल को मैंने ओपन किया है, इसकी भी सिग्नल क्वालिटी आप देख सकते हैं। GX6605 जो है उसमें 3 पट्टियाँ शो होती हैं, उसमें भी अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पर चैनल लिस्ट में अगर आप एक दफ़ा इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स शो होगा, जिसमें अगर 0 प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पर बिस ऐड कर सकते हैं किसी भी चैनल की, चाहे वो जियो है, PTV है या कोई और चैनल है जो आप देखना चाहते हैं जिसकी आपको बिस पता है। तो अगर वो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0 प्रेस करेंगे और रिमोट से बिस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी बिस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर 2 दफ़ा अगर प्रेस करेंगे मेन मेन्यू में जाने के बाद, तो आपको सिग्नल सैटेलाइट के जितने आप सिग्नल किसी भी चैनल के देखना चाहते हैं, कुछ की फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप देख सकते हैं। सैटेलाइट फाइंडर में ये सॉफ्टवेयर बहुत कारामद है, बहुत यूज़फुल है। जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो एक स्पेशल अपने पास सैटेलाइट फाइंडर का टूल रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।